हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं अभी आया था जंगलों में। तो अभी दिन के बज चुके हैं 3। तो मैं अभी रुका हूँ इस परी वाली पेड़ के नीचे, क्योंकि जंगल में बहुत ही धूप हो रखा है यहाँ पर। और जहाँ पर भी रुका हूँ वहाँ पे भी गर्मी, मतलब बहुत तगड़ी वाली गर्मी हो रखा है। तो मैं लाया है अपने साथ एक हुक, क्योंकि पास में नदी, वहाँ पर हमें फ़िशिंग करेंगे। तो कुछ लोग वहाँ पर कैसे खोज रहे हैं, तो कैसे निकलने देते हैं, उसके बाद चलते हैं, हुक में लगाते हैं और टेस्ट करते हैं अपना लाख की मछली आता है या नहीं। तो पहले केछू निकलने देते हैं और धूप भी थोड़ा कम होने देते हैं, क्योंकि इतनी धूप में जाएंगे बहुत ही गर्मी लगेंगे। तो इसलिए थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर, धूप को थोड़ी जाने देते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ पर। तो मैं अपना हुक लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने खुद बनाया था एक फूल की तरह, घुमाने पर वो लंबी हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो दिखा देते हैं, घर में ही बनाया था बेम्बो की एक लकड़ी से। तो ये रहा अपना हुक, ये रही हुई, घुमाने से ही ये रच्ची लंबी और सोती हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर लगा हुआ है ये हुक, इसे निकाल लेते हैं। तो ये रही हुक। तो अभी यहाँ पे लगाते हैं केचू और सिर फेंकते हैं, उस तरफ नदी है तो वहाँ पर फेंकेंगे और टेस्ट करेंगे अपना लाख। तो देखेंगे कि मछली आता है या नहीं। मेरे लक में तो कभी भी मछली नहीं लिखा है। तो मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ अभी तक, तो एक बार भी मुझे मछली नहीं मिला है। तो अभी भी टेस्ट करते हैं। तो बाय द वे, इसका व्यू बहुत ही शानदार है ना सुंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे मछुआरे हैं जिन लोगों को एक दिन में दो दो मछलियाँ मिल जाते हैं, लेकिन मुझे एक भी मछली नहीं मिला है। कुछ लोगों को एक दिन में 7-5 मछलियाँ मिल ही जाता है, इसलिए मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। इसलिए मैं भी सेम उसी के प्रकार एक हुक लेकर आया हूँ। तो देखते हैं मछलियाँ मिलता है या नहीं। तो आप लोगों को तो दिखाएंगे, अगर मछली मिलेंगी तो मेरा 100% श्योर है कि मुझे मछलियाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी मुझे मछलियाँ नहीं मिलते हैं। अभी तो कुछ ही देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा और वो लोग अभी भी केसू नहीं ढूंढ पाए हैं, और भी कुछ देर हो जाएंगे। तो भाई आज तो मछली पकड़ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद तो अंधेरा ही हो जाएगा। तो देखते हैं कि अभी क्या मिला है, उसी को लेकर आते हैं जो भी है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, एक मिल चुका है तो उसी का लेकर आते हैं। तो भाई लोग, मेरा हुक रेडी है पानी में फेंकने के लिए। तो ये देखो केसु लगा कर हो गया है। तो अभी इसे जल्दी फेंकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो अंधेरा भी हो जाएगा। तो इस लोकेशन पे मैं आया हूँ, यहाँ पर फेंकेंगे। बहुत बड़ी है ये नदी और इस नदी का नाम है दिसांग। तो जल्दी से फेंकते हैं। तो भाई लोग, पहली बार है मुझे मिला है ये केकड़ा। तो इसे फेंक देते हैं, इसे मुझे नहीं चाहिए। तो इसे पानी में फेंक देते हैं। और वो रहा मेरा हुक, वहाँ पर लगाया है। तो अभी वेट करते हैं कुछ मिनट और देखते हैं क्या मछली मिलता है मुझे। लेकिन मुझे तो एक केकड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए मछली। तो मेरा हुक्स को अभी वहाँ पर रहने देते हैं। तो चलते हैं वहाँ पे, आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोगों के कैसे कैसे हुक्स हैं। तो मेरे तो छोटी वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो इतनी ज़्यादा लंबी है कि इतनी ज़्यादा बड़ी है कि 100 किलो का तो मछली आराम से मिल जाएंगे। तो एक रहा वो वहाँ पर, तो सामने चलते हैं तो दिखाते हैं उस तो दिखा देते हैं वो कितनी बड़ी है। ये किसी और का है। तो इसका रस्सी देखो कितनी लंबी है और इसका हुक भी देखो बहुत ही बड़ा है। ये तो बहुत बड़ा हुक्स है। तो मेरे वाले तो इससे बहुत ही छोटा है। तो बहुत सारे हैं वहाँ पर, ऐसे एक लाइन में लगा हुआ है। ये देखो मारा हुआ केकड़ा। तो चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं कि क्या क्या देखने के लिए मिलेगा मुझे। वैसे तो यहाँ पर और आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पर और आगे जाएंगे तो भाई जंगल है, क्योंकि जंगल में तो बाघ वगैरह घूमते रहते हैं। और अभी अंधेरा भी होने के लिए कुछ ही देर बाकी है, तो बाघ तो ज़रूर आएगा बाहर घूम निकलने, नदी में पानी पीने के लिए जो आ ही सकता है। तो चलते हैं फिर से। तो मैं अभी वापस आ चुका हूँ अपनी हुक की जगह। तो वो रहे मेरे हुक उधर है। तो अभी तक तो मछली नहीं मिली है, कुछ तेज पीर हो चुका है अभी तक। तो अभी तक तो कुछ मछली नहीं मिला है, और भी देखते हैं, अंधेरा होने तक रुकते हैं। फिर कल आएंगे, ऐसे ही रख के जाएंगे, कल सुबह ही आना पड़ेगा, नहीं तो कोई और ले जाएगा मछली अगर लगे तो। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अपना हुक के पोजीशन चेंज कर देते हैं, कुछ आगे ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी मछली अभी
ऐसे बाहर निकल के आया था। यहाँ पर भी कुछ मछली है उधर, अभी दिखा मुझे वहाँ पर। तो भी यही पर रखने देते हैं, देखते हैं कि क्या है। लक में अगर है तो कुछ आ ही जाएगा ना, तो यहीं पर रहने देते हैं। भी हो सकता है 1 घंटे से भी ज़्यादा बक और अंधेरा कुछ ही देर में हो जाएगा, तो मछली तो अभी तक मुझे नहीं मिली है। और देखते हैं कल मिलता है या नहीं। तो अभी जो ये छोटी वाली मछली है देखो, इधर इधर ही नाच रहा था अभी। हाँ ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, कुछ इधर नाच रहा था वो वाली। तो फिलहाल तो इसी को देख के हाँ फिर से नाचा है। जब कैमरा करता हूँ तो उधर तो तभी नहीं नाचते हैं, तो इसी को देख रहे हैं हम अभी, टाइम पास कर रहे हैं। तो मछली तो अभी तक लगी नहीं, तो कुछ और 30 मिनट तक रुकेंगे और उसके बाद फिर घर चलेंगे। उसे ऐसे ही रख के जाएंगे हुक्स को अपना, और कल सुबह ज़्यादा तो कल सुबह आएंगे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो हो चुका है, लेकिन मेरा एक गलती हो चुका है, क्योंकि जो मेरा हुक्स था वो मैं मछली हो चुका है। अगर कुछ मछली लगेंगे तो वो भी साथ में लेकर जाएंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसे लेकर आते हैं कुछ और जगह कुछ ज़्यादा। तो ये रहा मेरा हुक। तो अभी यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है, अंधेरा भी हो चुका है, मुझे डर लगने लगे हैं। तो देखते हैं कहीं अच्छी सी लोकेशन देख के इसे रख के फिर घर चलेंगे। तो जल्दी करते हैं, क्योंकि और कुछ ही मिनटों बाद तो बहुत ही अंधेरा हो जाएगा। तो जल्दी चलते हैं, यहाँ पर तो कोई लोग नहीं है अभी, ये तो जंगल की जगह है। तो अभी अंधेरा हो चुका है और मैं पानी में नहाने के लिए कूद चुका हूँ। तो मेरे साथ एक दादाजी भी है, तो उसके साथ मैं अभी नहा रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी यहाँ पर नहीं रह सकता। तो मैं वहाँ पर अंदर सेट कर दी हूँ मेरा हुक। तो अभी घर चलते हैं, तो बिंदास नहा भी लिया हूँ मैं, तो चलते हैं अब घर। अंधेरा तो बहुत हो चुका है, तो वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं। तो ये जंगल में हूँ अभी, तो ये पूरा अंधेरा तो नहीं हुआ है, लेकिन लगभग अंधेरा हो चुका है।